वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करने वाला हूं कुवैत हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कितना कमाता है। अभी हाल ही में जो स्टूडेंट्स गए हैं कुवैत में, उनकी सैलरी कितनी लगी है, उस आधार पे मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कुवैत में कितना कमाता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, एक महीने में उसे कितनी सैलरी मिलेगी, 12 महीने में कुल कितना होगा, कितना कमा लेगा और साल में वह कितना बचत कर लेता है, कितने पैसे बचते हैं, ये सभी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। अभी जो हाल ही में जो SST इंस्टीट्यूट से पास हुए कैंडिडेट जो जॉब पर गए हैं, उन्हें जो सैलरी लगी है, उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, गल्फ में की अगर हम बात करें तो गल्फ में सबसे अधिक जो सैलरी मिलती है वो कुवैत में मिलती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अब जरा मैं बात कर लेता हूं कि उन स्टूडेंट्स को कितनी सैलरी लगी है। तो उनकी जो सैलरी लगी वो आप देख पाएंगे कि सैलरी लगी है 370 KD और 370 KD उनको मिल रहा है। यानी अब एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर अगर 370 KD कमाता है तो वह इंडिया का कितना हो जाएगा, कितने महीने का होगा और साल में वो कितना हो जाएगा और फिर बचत कितना होता है, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि 1 KD लगभग इस समय जो है वह 270 रुपए के बराबर है। तो इंडिया का अगर आपको 1 KD मिलता है तो वह 1 KD इंडिया में आकर के 270 रुपए के बराबर हो जाता है। तो अगर 270 रुपया हो गया तो फिर आपकी सैलरी हो जाती है कितना हो जाता है, अब 270 और 370 जोड़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास होता है कितना, 99,900 रुपए की सैलरी आपकी हो गई एक महीने की, समझ गए। यानी 1 लाख में थोड़ा सा ही कम है। अगर उसमें अगर OT की मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ओवर टाइम भी होता है, ओवर टाइम अगर कैलकुलेट किया जाए तो यह सैलरी आपकी जो है लगभग 1.5 लाख के ऊपर चली जा रही है। इसी आधार पर जो है अन्य जो जॉब आने वाले हैं, जिनकी जिनका सिलेक्शन आपका 3 महीने बाद होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि शुरुआती सैलरी आपको 1,25,000 रुपए से शुरू होगी और फिर आगे आप देखेंगे कितना अधिक जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर ये 99,900 कमा रहा है बंदा, एक सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा सर, पूरे साल में एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर 11,98,800 रुपए कमा लेता है। यानी 12 महीने की कुल सैलरी होती है। अब भाई पूरी सैलरी तो हो गई, अब पूरा सैलरी तो बचेगा नहीं, उस सैलरी में से खर्च भी तो होगा, वो रहेगा वहां पे, खाना खाएगा, घूमेगा, उसकी भी लाइफ स्टाइल होगी, तो उसमें क्या खर्च होते हैं, मोबाइल फोन का है। अब उस एक्सपेंसेस को अगर हम काट दें तो फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्ट की क्या आपके पास बच जाता है। मैं मान लेता हूं कि जो खर्च हो गए 12 महीने में, लगभग आप 10,000 रुपए हर महीने मान के चलिए कि 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि ये ज्यादा है। अगर आप कोई फालतू काम ना करें तो 10,000 रुपए भी बहुत ज्यादा है, मतलब एक महीने के लिए। अगर 12 महीने लगातार 10,000 रुपए आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एक साल में आपका जो है 1,20,000 रुपए खर्च हो जाएगा। अब जब 1,20,000 खर्च हो गया, आपने कुल कितनी कमाई की, 11,98,800 रुपए। अब जब इसको हम 1,20,000 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो पूरे साल में जो आपकी बचत होती है वह होती है 10,78,800 रुपए। तो ये आपकी जो है ये टोटल क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेविंग जो सैलरी अभी लगी है उसके आधार पर मैंने बताया और खर्चे कितने लगभग हो रहे हैं उस आधार पर। जबकि यहाँ पे जो मैंने एक्सपेंसेस आपको बताए हैं, जो खर्च बताए हैं 10,000, ये मैंने ज्यादा रखा। वैसे नॉर्मली आपका जो है 6,000 के खर्च होंगे। अब उसमें भी क्या लग जाता है, दो चीजों पे खर्च आपका होता है। पहला खर्च होता है, खर्च होगा आपके मोबाइल का, मोबाइल रिचार्ज का। दूसरा खर्च होगा आपका खाने का, भाई कंपनी रहने का जगह देती है तो खाने में आपके जो है लग जाते हैं, समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम आपके मान लीजिए कि 5,000 से 6,000 रुपए आपके वो लग जाएंगे और 1,000 रुपए आप मान के चलिए, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं 1,000 रुपए मान के चलिए आपका मोबाइल का खर्च हो गया। अब जरा जोड़ लीजिए कितना है, यानी कुल अगर देखा जाए तो 7,000 रुपए आपके खर्च हो गए। 3,000 एक्स्ट्रा आप मान लीजिए अगर कहीं घूमने गए चाहे कुछ गए तो उसमें लग गया।
तो मैक्सिमम अगर 10,000 रुपए आपके खर्च होते हैं तब भी आपको एक साल में 10,78,800 रुपए आप बचा लेंगे। जी कुवैत की सैलरी है, ये सैलरी कभी भी आपको इंडिया में पॉसिबल नहीं है, कभी आप इतना रुपया नहीं कमा सकते हैं। यही कारण है कि लोग गल्फ कंट्री में मूव करते हैं और स्पेशली वो कुवैत जाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स